हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम बिल्डिंग की एक्सेवेशन या किसी भी चीज़ की अर्थ एक्सेवेशन जो है वो हम कैसे चेक करते हैं, उसका लेवल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, जहां तक हमको जाना है कैसे चेक करते हैं, इस बारे में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊँगा। हम डंपी लेवल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डंपी लेवल को कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, और साथ साथ में जो है स्टाफ राड की रीडिंग पे भी बना चुका हूँ। अब इस बिल्डिंग की जो एक्सेवेशन डेप्थ है वो हमारे पास है 14.25 फीट। इसकी कैलकुलेशन कैसे निकलती है ये, इसके ऊपर भी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। 1.5 मिनट की वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। अभी इसकी एक्सेवेशन चेक करने के लिए जो बेंचमार्क है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उधर कॉलम है हमारे पास, उस कॉलम के ऊपर बेंचमार्क जो है वो मार्क हुई हुई है, जहाँ पे स्टाफ राड लेके खड़ा हुआ है उधर बेंचमार्क जो है मेरी मार्क हुई हुई है, वो -4.5 फीट पे मार्क हुई हुई है रोड लेवल से। तो मैं डंपी लेवल को जो है उस लेवल से काफ़ी नीचे सेट किया हुआ है, मैंने यहाँ ग्राउंड पे सेट किया हुआ है, तो इस वजह से मैं उस पे किसी भी स्टाफ राड पे किसी भी रीडिंग को जो है वो फिक्स कर दूंगा। अब मैं 5 फीट पे मैंने फिक्स करने को बोला है, तो -4.5 पे मैंने 5 फीट को फिक्स किया, यानी कि मुझे -4.5 से नीचे 5 फीट तक स्टाफ राड को मैं रीड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ले जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये मैंने 5 फीट पे इस बेंचमार्क के ऊपर सेट कर दिया। ये जो लाइन बेंचमार्क हमारी लगी हुई है ये -4.5 फीट पर लगी हुई है, तो इस पे मैंने 5 फीट सेट किया है, यानी कि मैं -4.5 से नीचे 5 फीट तक इस स्टाफ राड के ऊपर 5 फीट तक की जो रीडिंग है वो मैं मज़ीद पढ़ सकता हूँ। -4.5 से 5 फीट में नीचे जाऊँगा तो मैं 9 फीट तक, -9.5 फीट तक मैं रीडिंग जो है वो पढ़ सकता हूँ मज़ीद, ठीक है। अब मैं जाके मैं डंपी लेवल से रीडिंग पढ़ता हूँ कि यहाँ पे रीडिंग कितनी आती है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैलकुलेशन किस तरह की जाए। अब इंस्ट्रूमेंट मेरा सेट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मेरा सेट है। इंस्ट्रूमेंट को सेट करना आपने अगर सीखना है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को रीडिंग भी दिखाऊँगा कितनी आ रही है। अब रीडिंग इसका आप लोग भी ईजिली रीड कर सकते हो, ये आ रहा है 0.62 फीट, ठीक है, 0.62 फीट। मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताऊंगा, 0.62 मेरे पास आ रहा है स्टाफ पे रीडिंग, ठीक है। तो मैंने 5 फीट मजीद नीचे जो है स्टाफ पे 5 फीट मैंने पूरी स्टाफ राड रखा था नीचे, तो उसमें से मैं 0.62 जो है वो माइनस कर दूंगा, तो 5 फीट में से मैं 0.62 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4.38। और मेरा बेंचमार्क जो है वो -4.5 था, तो उसके ऊपर मैं 4.38 मज़ीद ऐड करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 8.88 जो है ये मेरे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आया है, -8.88, यानी रोड लेवल से 8 फीट एंड 10 to 11 inches के बीच में जो है वो मैं नीचे आ गया हूँ। जाना मुझे 14.25 यानी 14 feet and 3 inches जाना है। एक्सेवेशन जो होगी हमारी लैंड की, इस पूरे प्लॉट की, वो 14.25 पे होनी है, तो मैं अभी 8.88 तक आ गया हूँ, तो उधर से 14.25 तक जाने के लिए मुझे स्टाफ पे रीडिंग कितनी चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं माइनस करूँगा 14.25 में से 8.88 को, ठीक है। तो 14.25 में से 8.88 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 5.37, ठीक है, 5.37 मेरे पास वैल्यू आएगी। तो अब स्टाफ राड के ऊपर मेरी रीडिंग 5.37 आनी चाहिए तो मैं समझूंगा कि मेरा एक्सेवेशन लेवल जो है वो अचीव हो गया है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि मैं डाउन गया हूँ, नीचे गया हूँ, और अगर उससे कम आ रहा है तो मज़ीद एक्सेवेशन हमें करानी पड़ेगी। जितनी लैंड यहाँ एक्सेवेट हो चुकी है, इनकी हर पॉइंट के ऊपर जितने पॉइंट पे आपने चेक करना है वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितने पॉइंट्स पे चेक करते हो,
जहाँ जहाँ आपको लग रही है चेक मुझे करना चाहिए उन उन पॉइंट्स पे आपको चेक करनी पड़ती है। तो मैं अभी कुछ पॉइंट्स चेक करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा अभी कि किस तरह क्या रीडिंग आ रही है इन पे। ठीक है, ये देखिए स्टाफ राड पकड़ा है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे। अब इस फर्स्ट पॉइंट पे कितनी रीडिंग आती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस पॉइंट पे कितनी रीडिंग मेरी आती है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास रीडिंग आ रहा है 5.45, ठीक है, 5.45, यानी 5.37 पे मुझे जाना चाहिए था, 5.45 आ रहा है। तो तकरीबन 1 इंच के करीब जो है वो एक्सकेवेशन ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ रुकवा दूंगा, यहाँ पे मज़ीद एक्सकेवेशन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से और पॉइंट्स भी मैं चेक करूंगा जहाँ हो गई है अचीव, या इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है यह, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ड रॉक है। ठीक है, हार्ड रॉक है और जैक हैमर से इसकी कटिंग हुई है, तो इसमें थोड़ी बहुत जो है वेरिएशन भी हो सकती है, क्योंकि रॉक है तो उसकी कटिंग में कभी कटते कटते अगर कोई बड़ा पार्ट निकल आता है तो उसमें उससे ज़्यादा भी एक्सकेवेट हो सकती है, और अगर कम है तो फिर हम उसको जैक हैमर की मदद से जो है और उसकी कटिंग करवाते हैं। तो गाइज, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताएं, और मज़ीद इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर छोटे बड़े टॉपिक पे देखने के लिए मेरे चैनल सिविल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।